और अब अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां सड़क में विचरण करने वाले पशुओं को अभियान चलाकर गौशाला भेजा जाएगा। आगामी 2 दिन में सड़क में पशुओं को छोड़ने वाले पशुपालकों की पहचान की जाएगी तथा उनके विरुद्ध पुलिस में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। उक्त आशय के निर्देश कलेक्टर मनोज पुष्प ने बैठक में दिए। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े व विभिन्न विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट के बाण सागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन विभागों की सड़कों में आवारा पशु मिले उनमें लगे टैग से पशुपालकों की पहचान कराकर उनके विरुद्ध पुलिस में FIR दर्ज कराएं तथा उपलब्ध संसाधनों से संबंधित गौशालाओं में पशुओं को भेजने की व्यवस्था कराएं। उन्होंने कहा कि सड़क के किनारे पशुओं को बांधने वालों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। सघन अभियान चलाकर सभी राजमार्ग एवं अन्य सड़कों में विचरण करने वाले पशुओं को पकड़ने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि जिन पशुपालकों के पशु गौशालाओं में रखे जाएंगे वहां से उन्हें छोड़ने पर 1,000 रुपया जुर्माना भी भरना होगा। उल्लेखनीय है कि पशुओं में टैग के आधार पर पशुपालकों की पहचान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। कलेक्टर ने पशुपालकों से अपील की है कि सड़क में बेसहारा पशुओं को ना छोड़ें तथा सड़क के किनारे इन्हें ना बांधें। उन्होंने कहा है कि पशुओं के सड़क में विचरण करने से दुर्घटना होने पर मनुष्यों की जान जा सकती है।